झूठ कहती है दुनिया की 22 लाख बच्चों का कंपटीशन है नीट में। नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना, 22 लाख बच्चा बचा ही नहीं है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े बैच में जब 4 लाख बच्चा आता है तैयारी करने, 4 लाख बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, लेक्चर में टाइम वेस्ट होता है, लेक्चर नहीं देख रहा होगा, पर वो टेस्ट भी नहीं दे रहा है 4 लाख बच्चा। 22 लाख में कॉम्पिटिशन है ही नहीं, कॉम्पिटिशन तो आखिरी 1-1.5 लाख का ही कॉम्पिटिशन है बेटा। यही तो सच्चाई है ना। मैं कितनी बार बोलता हूँ आपसे कि रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन नहीं आता है, उससे बहुत पहले आ चुका होता है। रिजल्ट वाले दिन बस आपके सामने दिख जाता है, आता उस दिन नहीं। नीट का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपका अगस्त सितंबर में आएगा, नीट का रिजल्ट आपके सामने अभी भी है, बस आप देखते उस वक्त उसको जाके। ये है एक्चुअल कॉम्पिटिशन बस। और जो ट्रेंड यहां है वही ट्रेंड जमाने में है, ये है कॉम्पिटिशन। 22 लाख बच्चों में कॉम्पिटिशन नहीं है, ये है कॉम्पिटिशन लास्ट के 3 लाख बच्चों का 15%। हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि 22 लाख बच्चे नीट में बैठेंगे, इतना बड़ा कंपटीशन है, 22 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं नीट के एग्जाम में। नहीं, ये कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ये है बेटा लास्ट का आपका। ये जो 3 लाख बच्चे हैं ना, यहां होता है कंपटीशन, 3 लाख स्टूडेंट्स, ये है एक्चुअल कॉम्पिटिशन आपका। और अब यही लोग बचे हुए हैं। नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा है, किसने जिद की थी? आप ही ने जिद की थी ना। हाँ, इतने कम, अब आपको रियलाइज हो रहा है। और यही ना, गिरते गिरते अभी 15 से ये हो जाएगा 10%, 2 लाख बच्चे, फिर ये गिरते गिरते वहां से और कम होता जाएगा ये डेटा, 5%, 4%, फिर वो अंत वाले बच्चे पहुंचते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आपके सब्जेक्ट टीचर्स में कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, डीपीपी रेटिंग में कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा बैच में आता हूँ, पूछता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, कहाँ दिक्कत है बताओ। लगभग कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा बैच में जा सकूँ जाऊँ, इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया था कि बच्चों तक सही शिक्षा पहुँच रही है कि नहीं। पर आप खुद सीरियस नहीं हो, क्यों आप अपना 4,000 रुपये खराब करते हो? 4,000 रुपये की बहुत वैल्यू है भाई। 4,000 रुपये किसी के एक महीने का किराया है घर का, 4,000 रुपये में एक व्यक्ति की फैमिली का खाना है एक महीने का, वो 4,000 रुपये आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं। किसी को आप पैसा देते हो तो यूज तो करो उस चीज को, उस पैसे की वैल्यू तो करो, अपने समय की वैल्यू करो। ये देखिए, ये है आपका डेटा। क्या डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन में? मोटिवेशन की कमी है, डिस्ट्रैक्शन की कमी है, यही सब बोलते हो आप कि सर मोटिवेशन नहीं है, सर लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आपके अंदर बेटा डिसिप्लिन की कमी है। द बिगेस्ट थिंग दैट इज लैकिंग इन ऑल ऑफ यू इज डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन से आप एक बार शुरू तो कर देते हो, YouTube पे जाके एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, नीट मोटिवेशन, और नीट मोटिवेशन सर्च करके एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने आता है जहां मैं या कोई भी व्यक्ति आके आपको मोटिवेट करता है कि आपको डॉक्टर बनना है, या अगर आपका ये सपना है तो आपको मेहनत करनी होगी, आग लगानी होगी। और वो वीडियो सुनने के बाद आपके अंदर काम शुरू करने की आग तो लग जाती है, पर काम करते रहने की आग सिर्फ डिसिप्लिन लगाएगा आपके अंदर, वो आपकी एकदम बंद है।